हेलो दोस्तों, ऑफिस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है एमएस एक्सेल के बेसिक नॉलेज का पार्ट 4। इस पार्ट में आप जो सीखेंगे वो इस प्रकार है, सेल्स की फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेट फंक्शन का उपयोग करना, फॉर्मेट इस टेबल फंक्शन का उपयोग करना, फिल और फ्लैश फिल का उपयोग करना, रेंज को सेलेक्ट करना और सिलेक्टेड रेंज में सेम डाटा एंटर करना। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं कि C3 का डाटा C3 में और फॉर्मूला बार में अलग अलग प्रकार से अपीयर हो रहा है और सेम डाटा C4 में भी लिखा है, लेकिन वह भी एक अलग तरह से अपीयर हो रहा है। इसी प्रकार D3 का डाटा जब फॉर्मूला बार में देख रहे हैं तो केवल 1 दिखाई दे रहा है, जबकि सेल D3 में 1.000 kg अपीयर हो रहा है। इसी प्रकार बाकी सेल्स में भी जो डाटा दिख रहा है वो अलग है और जो फॉर्मूला बार में दिख रहा है वह अलग है। यह फॉर्मेटिंग कैसे होती है यह हम बाद में सीखेंगे, अभी मैं आपको सिखाता हूँ फॉर्मेट इस टेबल फंक्शन का उपयोग करना। फॉर्मेट इस टेबल फंक्शन के उपयोग के लिए सबसे पहले हमें वह सारा डाटा सेलेक्ट करना होगा जिसे हम एज टेबल फॉर्मेट करना चाहते हैं। डाटा सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट इस टेबल ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी फॉर्मेट आप अपनी टेबल के लिए चाहते हैं उसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर उस रेंज के लिए पूछा जाएगा जिसको आप फॉर्मेट इस टेबल करना चाहते हैं। जो डाटा सेलेक्ट करके फॉर्मेट इस टेबल ऑप्शन चूज करते हैं वह रेंज डिफॉल्ट यहाँ पर दिखता है। अगर आप रेंज बदलना चाहते हैं तो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सही रेंज पहले से ही सिलेक्टेड है तो ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार सिलेक्टेड रेंज की फॉर्मेटिंग जैसी आपने चूज की थी वैसी हो जाएगी। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो डाटा सेलेक्ट करके सेम प्रोसेस से बदल सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके फॉर्मेट इस टेबल ऑप्शन से फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। अब बात करते हैं फिल ऑप्शन की। फिल ऑप्शन के लिए होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में फिल ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद आप डाउन, राइट, अप और लेफ्ट में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करके डाउन ऑप्शन चूज करते हैं तो सिलेक्टेड सेल में उससे ऊपर के सेल का डाटा कॉपी हो जाएगा। राइट ऑप्शन चूज करने पर सिलेक्टेड सेल में उसके लेफ्ट साइड की सेल का डाटा कॉपी हो जाएगा। अप ऑप्शन सेलेक्ट करने पर नीचे वाले सेल का और इसी प्रकार लेफ्ट चूज करने पर सिलेक्टेड सेल में उसके राइट साइड की सेल का डाटा कॉपी हो जाएगा। अब फिल सीरीज ऑप्शन को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैंने सेल में 1 लिखकर उसे सेलेक्ट किया है। इसके बाद होम टैब में फिल ऑप्शन में सीरीज ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अब जो सीरीज मेन्यू आपके सामने ओपन होता है रो को सेलेक्ट करके स्टॉप वैल्यू में 10 लिखकर ओके पर क्लिक करने पर रो में 1 से 10 तक की गिनती लिख देता है और इसी प्रकार कॉलम्स ऑप्शन सेलेक्ट करे तो कॉलम्स में 1 से 10 तक की गिनती ऑटोमेटिकली लिख देता है। इसी प्रकार हम सीरीज में ट्रेंड ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ट्रेंड ऑप्शन यूज करने के लिए जिन सेल्स में डाटा फिल करना है उन्हें सेलेक्ट करना होगा और फिर सीरीज मेन्यू में ट्रेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार सिलेक्टेड सेल्स में ऑटोमेटिक ट्रेंड में डाटा फिल हो जाएगा। ट्रेंड ऑप्शन में रोज या कॉलम सिलेक्टेड सेल्स के बेस पर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन को। इस सीट में सी कॉलम में मैंने कुछ नाम लिखे हैं जिसमें से किसी एक का फर्स्ट नाम कॉपी करके मैं यहां डी कॉलम में पेस्ट कर रहा हूं और इसके बाद डी कॉलम को वहां तक सेलेक्ट करें जहां तक किसी कॉलम में नाम लिखे हैं, फिर होम टैब में फिल ऑप्शन में फ्लैश फिल ऑप्शन चूज करें। इस प्रकार सभी सिलेक्टेड सेल्स में फर्स्ट नाम आ जाएगा। इसी प्रकार मिडिल और लास्ट नाम भी रिस्पेक्टिव कॉलम्स में निकाला जा सकता है। आप समझते हैं कि किसी भी सीट में एक सेल से दूसरे सेल में कैसे शिफ्ट करें। आप डायरेक्टली क्लिक के अलावा सोर्ट एंड फाइंड में से गो टू में सेल का एड्रेस डालकर ओके पर क्लिक करके भी जा सकते हैं।
इसी प्रकार आपको मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करनी है, तो जहां से सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करते हुए जहां तक सेलेक्ट करनी है वहां तक ड्रैग कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट सेल पर क्लिक करके शिफ्ट बटन दबा कर रखे और जहां तक सेलेक्ट करना है वहां पर क्लिक कर दे और इसे फाइंड एंड सेलेक्ट में से गो टू में सेल्स का एड्रेस डालकर ओके करके भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सेल्स में सेम डाटा एंटर करना चाहते हैं तो उन्हें सेलेक्ट कर ले और जो लिखना चाहते हैं वो लिखकर बिना बाहर क्लिक किए कंट्रोल दबाकर साथ ही एंटर दबा दे। इस प्रकार सेम डाटा सभी सेलेक्ट सेल्स में आ जाएगा। इस फंक्शन का उपयोग एक उदाहरण से समझते हैं। मैक्सिमम मार्क्स वाले कॉलम में सेम वैल्यू इंटर करनी है तो इसके लिए उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करके वैल्यू इंटर करे और बिना बाहर क्लिक किए कंट्रोल दबाकर रखते हुए इंटर दबा दे और सेम वैल्यू सभी सेल्स में इंटर हो जाएगी। अब गो टू स्पेशल का उपयोग करते हुए केवल ब्लैंक सेल्स में ही डाटा इंटर करना समझते हैं। इस सीट की इस टेबल में सभी खाली सेल्स में एब्सेंट लिखना है। इसके लिए आप पहले सभी डाटा को सेलेक्ट कर ले। अब गो टू में जाकर स्पेशल सेलेक्ट करें या फिर सीधे गो टू स्पेशल ऑप्शन सेलेक्ट करके ब्लैंक ऑप्शन चूज करके ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार केवल ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो जाएगी। ध्यान रहे अभी आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है। अब जो वैल्यू आपको इंटर करनी है वह लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर एब्सेंट लिख रहा हूँ, और फिर बिना बाहर क्लिक किए कंट्रोल दबाकर रखते हुए इंटर दबा दे और इस प्रकार सभी में सेम वैल्यू इंटर हो जाएगी। जैसा कि वीडियो स्टार्टिंग में फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन को नहीं समझाया था, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ही वैल्यू अलग अलग सेल्स में अलग अलग कैसे दिखती है। प्राइस में रुपीस का साइन लगाने के लिए डाटा सेलेक्ट करके होम टैब में नंबर ग्रुप में फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करें और फिर करेंसी ऑप्शन सेलेक्ट कर सिंबल में रुपीस का सिंबल चूज करके ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। आप सेम फॉर्मेटिंग अकाउंटिंग से भी कर सकते हैं। परसेंटेज की फॉर्मेटिंग के लिए परसेंटेज के ऑप्शन को चूज करके डेसिमल प्लेसेस में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट चाहिए उतना सेट करके ओके पर क्लिक करें। डेट की फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट सेल्स में डेट का ऑप्शन चूज करके जैसी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं सेलेक्ट कर ले। सैंपल डेट भी आपको ऊपर दिखाई देगी। इस प्रकार आप डेट की फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्मेटिंग में भी आप अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग आप चूज करेंगे वह राउंड ऑफ में दिखाई देगा, जिसकी वजह से सेम डाटा को अलग अलग दिखाएगा। इसीलिए पहली रीडिंग को एक सही 1/4 दिखाता है, जबकि दूसरी सेल में 1 दिखाता है। अब बात करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की, जो कि यहाँ पर वेट के लिए यूज की गई है। कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए कस्टम ऑप्शन चूज करने के बाद प्रीसेट फॉर्मेटिंग भी चूज कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए जनरल की जगह आप जैसी फॉर्मेटिंग चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 0.000 और इनवाइटेड कॉमा में केजी लिख रहा हूँ, जिससे जो भी वैल्यू इन सेल्स में इंटर करेंगे वो 3 डेसिमल तक और केजी के साथ दिखाई देगी। आप नंबर ग्रुप में फॉर्मेटिंग चूज करके डेसिमल पॉइंट्स भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। MS Excel से रिलेटेड और वीडियोस के लिए ऑफिस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।